अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आपको आ रही है? अहमद वालू नाम बेटा। वालेकुम सलाम बच्चों, कैसे हैं आप सब? कोई मसला नहीं अहमद, कर लेंगे उसको बेटा, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह अनीक, सुनिया अहम वेल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल करेंगे अयान, अयान मेरा बेटा, बिल्कुल करेंगे, अभी करवाता हूँ इनफैक्ट। अच्छा दोस्तों, सब मेरे साथ हैं, स्टार्ट करूँ मैं क्लास को? चलो भाई, अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि सर रिग्रेशन एंड हो गया है, ऑल मोस्ट रिग्रेशन एंड हो चुका है, और सिर्फ एक चीज रह गया है कि रिग्रेशन इक्वेशन, जिस तरह से मैं बताता था आपको कि सर रिग्रेशन इक्वेशन में हमने वाई ऑन एक्स देखा था, ठीक है ना? रिग्रेशन इक्वेशन में हमने वाई ऑन एक्स देखा था, अब हमने देखना है एक्स ऑन वाई। बस ये छोटी सी एक रिग्रेशन इक्वेशन है, हमने इसको देखना है एक्स ऑन वाई, और फिर हम आगे मूव ऑन कर देंगे, ठीक है ना? अच्छा मुझे बताओ, लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था, पॉपुलेशन और टीवी डिमांड वाला। लास्ट क्लास में हमने पॉपुलेशन और टीवी डिमांड वाला सवाल किया था बेटा। यस, ओके, चले। रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई के अंदर हम क्या करते हैं, जस्ट मुझे एक मिनट दीजिएगा, बस स्टार्ट करते हैं हम। आईकेट की बुक में नहीं होंगे बेटा, ये मेरा सेपरेट हैंडआउट है, मैं आपको सेंड करूंगा। देखो एक्स ऑन वाई के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। वाई ऑन एक्स में क्या था कि सर वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है? यहाँ सी प्लस डी वाई है। ओके, ये सी क्या है मेरे पास, ये बोलो सी क्या है सर? जो ए था, ए क्या था? रिग्रेशन और ये डी क्या है मेरे पास, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। बिल्कुल, जैसे ही इस तरीके क्लासेस रिज्यूम होंगी मैं आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड करूंगा बेटा, सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, जैसे ग्रुप बन जाता है आप लोगों का, एडमिशन फाइनलाइज करवा लें अपने, ठीक है? और जैसे ग्रुप बन जाता है आपका, तो फिर मैं आपको जो है वो हार्ड पीडीएफ कॉपी फटाफट से सेंड कर दूंगा पहले दिन, ठीक है? अच्छा, सी निकालने का फॉर्मूला क्या है, समीशन ऑफ एक्स ओवर एन माइनस डी इंटू समीशन ऑफ वाई ओवर एन, ठीक है ना? डी निकालने का क्या फॉर्मूला है, एन समीशन ऑफ एक्स वाई, न्यूमरेटर सेम है इसका, समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई ओवर एन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। इसमें एक्स जो है वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स ऑन वाई में एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड वाई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक
ये आप फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब सवाल में स्पेसिफिकली आपसे के एक्स ऑन वाई, जब सवाल में स्पेसिफिकली आपसे बोलेगा कि एक्स ऑन वाई कंप्यूट करें तभी आप अप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप बाय डिफॉल्ट ए प्लस बी एक्स ही करेंगे, आप बाय डिफॉल्ट ए प्लस बी एक्स ही करेंगे, ये बात याद रखिएगा। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ये वाला केस जब ही करोगे जब सवाल में स्पेसिफिकली बोलेगा ए कंप्यूट एक्स ऑन वाई, वैल्यूज होती है बेटा, मैथमेटिकल वैल्यूज होती है। दोस्तों मेरे साथ हो, मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ, सवाल करवाऊँ? बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज होता है ना, थोड़ा सा फॉर्मूला भी चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर डिनोमिनेटर। चलो मैं क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करता हूँ, और जरा एक क्वेश्चन आप लोग करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन आई गेस हमने सॉल्व किया था अपने पास रेगुलर क्लास में, और लेकिन क्वेश्चन नंबर वन में हमने ये सारे कैलकुलेटर डायरेक्ट हो सकते हैं बेटा, जिन बच्चों के नहीं आई है YouTube की मेरी वीडियो से, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं उनको जो है जैसे क्लासेस स्टार्ट होती है मैं दोबारा उनको बता दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है वो, ठीक है ना? अच्छा बेटा इस समय ये तो कर लिया था, इस सवाल में हमने बिल्कुल कैलकुलेटर में बहुत इजी है। देखो ये सवाल हमने कर लिया था एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स, अब हमने करना है क्या एक्स ऑन वाई। देखो सवाल में स्पेसिफिकली इसने कहा है हम करेंगे क्या एक्स ऑन वाई, जैसे ए और बी आएगा। अच्छा कैलकुलेटर पे सॉल्व करें मेरे बच्चों, कैलकुलेटर पे सॉल्व करें। अच्छा जिन्होंने पहले ऊपर कॉपी करना है इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, और प्लीज सब मेरे साथ रहेंगे, मैं अभी कैलकुलेशन दोबारा परफॉर्म करवाऊंगा कैलकुलेटर पे, एक्स ऑन वाई भी एंड वाई ऑन एक्स भी। अभी दोबारा सॉल्व करते हैं, ठीक है ना? एक्स ऑन वाई भी और वाई ऑन एक्स भी। स्नेहा वेरी गुड बेटा, मैं बिल्कुल तरीका बताता हूँ। आप लोग ये कॉपी करो, कॉपी कर लिया सबने तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ, मैं आपको कैलकुलेटर पे नेक्स्ट सवाल सॉल्व करवाता हूँ। जबरदस्त स्नेहा, वेरी गुड। स्क्रीन आ रही है ना सबको? स्क्रीन शो सबको है? नहीं खुद से नहीं करो, मैं करवाता हूँ, मैं कैलकुलेटर पर सॉल्व करवाता हूँ। देखो बेटा आओ, अब सब मेरे साथ रहेंगे, कोई मेरे पीछे नहीं रहेगा, सब मेरे साथ साथ रहेंगे। आओ बेटा सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं वाई ऑन एक्स को, ठीक है भाई? सबसे पहले सॉल्व करेंगे वाई ऑन एक्स को। वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या है? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ओके, कैलकुलेटर के अंदर मोड की की नजर आ रही है सबको? कैलकुलेटर में मोड की नजर आ रही है? ऑन की के बराबर में होगी, ऑन की के बराबर में होगी मोड की की। मोड की की प्रेस करो, क्या आपको स्टैट्स मोड लिखा नजर आ रहा है? क्या आप मेरे बच्चों स्टैट्स मोड लिखा नजर आ रहा है? जी भाई प्लीज मुझे बताते रहो, क्या स्टैट्स मोड लिखा नजर आ रहा है? यस सर, स्टैट्स मोड के बाद आप ऑप्शन टू पे देख चेक करोगे, लिखा हुआ होगा ए प्लस बी एक्स। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ होगा ए प्लस बी एक्स। जब ऑप्शन टू प्रेस करोगे तो इस तरह के दो कॉलम्स आपको नजर आएंगे, एक्स का और वाई का। क्या इस तरह की फोटो शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर? क्या इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो गई कि एक्स और वाई नजर आ रहा है आपको? कोशिश करता हूँ बेटा, ठीक है, कोशिश करता हूँ कि मैं रिवाइज करवा दूँ लास्ट क्लासेस का, ठीक है ना?
अच्छा ए प्लस बी एक्स जब लिखा नजर आ रहा है तो आपके पास ये फोटो भी अपेयर हो रही होगी, एक्स का कॉलम वाई का कॉलम। एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू पुट करो, वन पुट करो इक्वल टू दबाना नीचे आ जाओगे, टू पुट करो इक्वल टू दबाना थ्री आ जाओगे, फिर एस ऑन आप 5, 6, 7, 8 एंड 9 इस तरह वैल्यू पुट कर दो। फिर आप एरो बराबर वाला प्रेस करना और यहां से पुट करना शुरू करना 9, 8, 10, 12, 11, 13, 14, 16 एंड 15। जब वैल्यूज पुट कर दो तो मुझे ओके करो। एक्स की कॉलम में एक्स की रॉ कॉलम के अंदर एक्स की वैल्यू, वाई के कॉलम में वाई की वैल्यू, भाई पुट कर दी सबने प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सब मेरे साथ रहे प्लीज, पुट कर दी। जी अहमद, वाई पर कैसे जाएंगे? देखो गोल का गोल बटन होगा, उसमें एरो बने होंगे। एक्स की कैलकुलेटर के बाद बाय में जाएंगे। निशा बता देता हूँ बेटा, मैं मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, मैं एक लिस्ट सेंड कर दूंगा आपको। भाई ये एरो की प्रेस करोगे बाय के कॉलम में आ जाओगे, बाय के कॉलम में वैल्यूज पुट कर दी आपने। जब वाई के कॉलम में वैल्यूज पुट कर देंगे आप लोग तो प्रेस करोगे एसी की, एसी की प्रेस कर दो, स्क्रीन क्लियर कर दो। कर दी भाई प्लीज, सब साथ हैं मेरे, कोई पीछे तो नहीं रह गया। जब एसी की प्रेस करोगे तो प्रेस करो शिफ्ट प्लस वन, शिफ्ट प्लस वन, शिफ्ट प्लस वन। जब शिफ्ट प्लस वन प्रेस करोगे तो चेक करो रिग्रेशन किस पॉइंट के ऊपर लिखा नजर आ रहा है आपको। ऑप्शन 5 के ऊपर लिखा नजर आ रहा होगा रिग्रेशन, ऑप्शन 5 पे लिखा नजर आ रहा होगा रिग्रेशन। ऑप्शन 5 पे क्लिक करोगे तो लिखा होगा किसी ऑप्शन के ऊपर ए, किसी ऑप्शन के ऊपर बी, किसी ऑप्शन के ऊपर आर। आर का काम नहीं है हमें, ए ऑप्शन 1 प्रेस करो, मुझे बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है। ऑप्शन 1 प्रेस करो, बताओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है। 7.25। ओके सर, फिर एसी प्रेस करो, फिर शिफ्ट और 1 प्रेस करो, ऑप्शन 5 रिग्रेशन में आओ और बी पर आओ, बताओ बी में क्या आ रही है। 0.95, 0.95x। तो इस तरीके से आपका विदिन अ मिनट आपके पास ए प्लस बी एक्स की इक्वेशन आ जाएगी। क्या बात क्लियर होती है दोस्तों। जी भाई ये तो कहानी थी आपकी किसकी, वाई ऑन एक्स की। मैं दोबारा बताता हूँ, शिफ्ट वन प्रेस। अच्छा अब्दुल हसन हुसैन, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये मेथड उनके पास उनके लिए है, देखो मेरे बच्चों ये मेथड उनके लिए है जिनके पास सिल्वर वाला कैलकुलेटर है। ये मेथड उनके लिए है जिनके पास सिल्वर वाला कैलकुलेटर है। जिनके आंसर्स नहीं आ रहे उनके पास, किसी के पास ब्लैक वाला कैलकुलेटर तो नहीं है? ब्लैक वाला कैलकुलेटर तो नहीं है किसी के पास? हाँ क्लास वाइज वाला, क्लास वाइज वाले थोड़ा सा होल्ड रखें, ठीक है ना, क्लास वाइज वाले थोड़ा सा होल्ड रखें, उनका मेथड अलग है, उनका मेथड अलग है, ठीक है ना। उनको बताता हूँ मैं, उनको भी एड्रेस करता हूँ, क्लास वेज वालों को मैं एड्रेस करता हूँ। पहले सर्वर वाले अगेन रिपीट देख लो, मैं बिल्कुल रिपीट कर रहा हूँ आरिस। देखो बेटा स्टेट मोड में आओ, मोड में आने के बाद स्टेट्स मोड में आओ, स्टेट्स मोड में आने के बाद ए प्लस बी एक्स में आओ। ऑप्शन 2 पे लिखा होगा ए प्लस बी एक्स,
इस तरीके से एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू और वाई के कॉलम में वाई की वैल्यू आप लोग पुट कर दो। कर दी मेरे बच्चों भाई? कर दी नहीं कर दी? ये ब्लैक वाले कैलकुलेटर वाले जो क्लास यूज वाला कैलकुलेटर है वो अभी इसी तरह करो, यहां तक तुम्हारा भी सेम है। जिनके पास क्लास यूज वाला कैलकुलेटर है वो यहां तक करें भाई। डन बच्चों, डन। सब बच्चे यही करो, जिनके पास ब्लैक वाला है, जिनके पास सिल्वर वाला है, जिनके पास ग्रे वाला है। सब यही करें, क्लास वाले भी यही करें, क्लास वाले भी इसी तरीके से वैल्यू पुट करो। पुट करती वैल्यूज अगेन। क्या बताता हूँ मिर्जा, अगेन क्या बताऊं बेटा, बताओ। अभी अगेन ही तो बता रहा हूं, इससे पहले थोड़ी कुछ बताया। यार अच्छा, मैं दोबारा शुरू से बता रहा हूँ भाई, दोबारा शुरू से बता रहा हूँ, दोबारा शुरू से बता रहा हूँ। प्लीज सब मेरे साथ रहिएगा, इधर उधर कोई ना रहे। दो कैलकुलेटर है, एक सिल्वर वाला और एक ब्लैक वाला, जिसको हम क्लास का कैलकुलेटर बोलते हैं। शुरू का प्रोसीजर सबका सेम है। मोड की प्रेस करो, प्रेस करो मोड की। मोड की प्रेस करोगे, तुम्हारे पास किसी ऑप्शन के ऊपर लिखा जा रहा होगा स्टेट्स मोड। 8 ऑप्शन क्लियर होंगे, स्टेट्स मोड लिखा जा रहा होगा, प्रेस करो स्टेट्स मोड भाई। प्लीज मुझे बताते भी रहो कि कर दिया स्टेट्स मोड प्रेस, मिल गया सबको स्टेट्स मोड, भले वो सिल्वर वाला कैलकुलेटर हो, भले वो ब्लैक वाला कैलकुलेटर हो। स्टेट्स मोड में आने के बाद ऑप्शन 2 पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा ए प्लस बी एक्स, बोलो हाँ लिखा नजर आ रहा है ए प्लस बी एक्स। यस सर, आ गया। अब एक्स ए प्लस बी एक्स के अंदर जब आप ऑप्शन 2 प्रेस करोगे तो इस तरह की फोटो खुलेगी, एक्स का कॉलम वाई का कॉलम। क्या फोटो खुलती है सबके पास? अब एक्स के कॉलम में 1 2 3 करके सारी वैल्यूज डाल दो, ऊपर जो वैल्यूज है ये वाली। एक्स के कॉलम में 1 2 3 करके सारी वैल्यूज डालो, वाई के कॉलम में वैल्यूज करके असेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर सारी वैल्यू डाल दो, जिस तरह से दी हुई है सब डाल दो और ओके करो मुझे। बस अहमद एक मिनट रुक जाओ बेटा भाई, सबने वैल्यूज डाल के मुझे ओके करो, सब साथ रहेंगे। एक्स के कॉलम में एक्स की वैल्यू, वाई के कॉलम में वाई की वैल्यू। डन। अब डन प्रेस करने के, डन करने के बाद भाई हाईएस्ट वैल्यू क्यों नहीं डल रही बेटा, क्या मसला आ रहा है? एक्स में 1 डालो, इक्वल टू का साइन दबाओ, नीचे आ जाओगे 2 डालो, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ, फिर 3 डालो, फिर इक्वल टू का साइन दबाओ, फिर 4 डालो। नीचे वाली वैल्यू पे आने के लिए इक्वल टू का साइन दबाओ। हारे बेटा, डन। भाई हारे हो गया, वैल्यूज पुट कर दी बेटा आपने। यस सर, एसी की प्रेस करो, एसी की प्रेस कर दो सारे, दोनों कैलकुलेटर वाले ब्लैक वाले भी सिल्वर वाले भी, एसी की प्रेस कर दो। अब जिनके पास क्लास विज का कैलकुलेटर है सिर्फ वो सुनो, अब सिर्फ क्लास विज वाले बात सुनो मेरी। क्लास विज वालों के पास शिफ्ट के नीचे
शिफ्ट के नीचे एक की होगी जिसपे लिखा हुआ होगा ऑप्शन, शिफ्ट के नीचे एक की होगी क्लास में वालों के बाद इसपे लिखा होगा ऑप्शन, प्रेस करो उसको। ऑप्शन प्रेस करो, हाँ भाई ऑप्शन प्रेस करने के बाद तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस खुल रहे होंगे। हाँ सबमिट गया, सबमिटने के बाद एसी शिफ्ट शिफ्ट के नीचे की होगी ऑप्शन वाली, ऑप्शन प्रेस करो। ये क्लास में वालों को बता रहा हूँ जिनके पास ब्लैक वाला कैलकुलेटर है, ये उनको बता रहा हूँ जिनके पास ब्लैक वाला कैलकुलेटर है। भाई शिफ्ट के नीचे की होगी ऑप्शन वाली, ऑप्शन को प्रेस करो। ऑप्शन के पास तुम्हारे पास ऑप्शन अपेयर होंगे बेटा कुछ चार, ठीक है। चार के बाद तुम नीचे वाला एरो दबाओ, नीचे वाला एरो प्रेस करो। ऑप्शन फोर पे लिखा नजर आ रहा होगा तुम्हारे पास रिग्रेशन, ऑप्शन फोर पे नीचे लिखा नजर आ रहा होगा बेटा रिग्रेशन। जब रिग्रेशन पे तुम फोर पे क्लिक करोगे तुम्हारे पास वन पे लिखा नजर आ रहा होगा ए, टू पे लिखा नजर आ रहा होगा बी, वो रिग्रेशन कैलकुलेटर है। जो ऑप्शन थ्री पर है वो रिग्रेशन कैलकुलेटर है, वो अलग चीज है, ठीक है। ऑप्शन थ्री वाला नहीं, एरो की नीचे डाउनवर्ड प्रेस करना और फिर ऑप्शन फोर पे जो रिग्रेशन है उसमें जाना। तो ए पे बी, वन पे ए होगा, टू पे बी होगा, थ्री पर आर होगा, तो इस तरह से प्रेस करना, तुम्हारे पास रिग्रेशन इक्वेशन में वैल्यूज आ जाएंगी। भाई हो गया सबके साथ, ये ब्लैक वाले कैलकुलेटर क्लासेस वाले को सुकून मिल गया। हाँ मेरे बच्चों सब साथ हैं, सबसे सबसे हो गया बेटा। अब सिल्वर वालों की तरफ आ जाओ, सिल्वर वाले मेरे बच्चों कहाँ हो आप लोग? हाँ भाई अब सामने आओ आप लोग, कहाँ है आइडेंटिफाई कराओ सिल्वर वाले। हाँ भाई एसी की प्रेस कर दिया आप लोगों ने, स्क्रीन क्लियर हो गई आप सबकी भी, सिल्वर वालों की। यस सर, अब एक काम करो प्रेस करो शिफ्ट की और फिर वन की, शिफ्ट के बाद वन दबाओ, शिफ्ट के बाद वन दबाओ। देखो ऑप्शन फाइव के ऊपर लिखा नजर आ रहा होगा रिग्रेशन, आप लोगों को नजर आ रहा है लिखा हुआ ऑप्शन फाइव पर रिग्रेशन लिखा नजर आ रहा होगा, वन के ऊपर ए होगा, टू के ऊपर बी होगा, इस तरह से लिखा नजर आ रहा होगा। तो वन दबाओ, ए की वैल्यू बताओ, देखो ए आ रही है 7.25। और फिर ए सी दबाओ, फिर शिफ्ट वन दबाओ, फिर शिफ्ट वन दबाने के बाद रिग्रेशन दबाओ, फिर बी दबाओ, टू दबाओ। अहमद बेटा आपने कोई वैल्यू गलत डाल दी होगी, बी बी आ गया सबके पास। हाँ भाई सारे बच्चों को कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालना आ गई। सुकून में जिंदगी, सब साथ हो मेरे, मैं आगे बढ़ सकता हूं। नहीं बाकी मैन वाली थोड़ी सॉल्व, बाकी भी कैलकुलेटर पे हो जाएगी बेटा, मसला नहीं है। मरियम बी निकालने के लिए आपके पास, मरियम मुझे बताओ कैलकुलेटर कौन सा है? हाँ ये ट्रिक वाई ऑन एक्स वाली है। मरियम कैलकुलेटर कौन सा है बेटा आपके पास? क्लास वेज वाला, सिल्वर वाला? सिल्वर वाला है, ओके। तो ए आ गया शिफ्ट वन प्रेस करके, ऑप्शन फाइव में रिग्रेशन जाके ए आ गया। यस अब एक काम करें, एसी की प्रेस करो और एसी की प्रेस के बाद अगेन शिफ्ट और वन प्रेस करो मरियम।
शिफ्ट वन प्रेस करने के बाद मरियम दोबारा ऑप्शन फाइव रिग्रेशन में आओ और फिर टू प्रेस करो। नाउ आप टू प्रेस करिएगा बी की वैल्यू के लिए। हाँ स्विच कर देंगे इल्मा वैल्यूज को, बता रहा हूं सबर। मरियम हो गया बेटा, मुनव्वर वेट। स्नेहा एसी की क्यू प्रेस करने के बाद अब शिफ्ट के नीचे की होगी ऑप्शन वाली, ऑप्शन प्रेस करो। स्नेहा ऑप्शन प्रेस करो बेटा, ऑप्शन प्रेस करने के बाद डाउनवर्ड की प्रेस करो। डाउनवर्ड की प्रेस करो, ड्रॉप डाउन प्रेस करना स्नेहा। ऑप्शन फोर पे देखो रिग्रेशन लिखकर नजर आ रहा होगा, दबाओ। डन, ये वैल्यू लिखकर नजर आ रही है ए और बी वाली तो होती है, वह इस तरीके से अपने बाहर निकाल लीजिएगा। बस कुछ नहीं करना, अपनी इक्वेशन बना लेनी है, इक्वेशन बना लेनी है मिर्जा, और फिर अगर एक्स की वैल्यू सवाल में गिवन है तो यहाँ पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेना। अगर एक्स की वैल्यू सवाल में गिवन है तो यहाँ पुट करके वाई की वैल्यू निकाल लेना। सिर्फ ये तरीका ए और बी निकालने का है। अच्छा सर, क्या फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी? भाई फॉर्मूले की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। मिसाल के तौर के ऊपर ये कैलकुलेटर की ट्रिक तब एप्लीकेबल है। ओके अहमद, अपने कैलकुलेटर की बेटा पिक्चर सेंड करना मुझे। अब भाई प्लीज प्लीज इधर देखो, प्लीज इधर देखो। मिसाल के तौर के ऊपर अब बच्चा सोच रहा होगा सर मैं फॉर्मूले भूल जाता हूँ, ये कैलकुलेटर की ट्रिक याद रखूंगा, मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये कैलकुलेटर की ट्रिक जब ही एप्लीकेबल है जब मुझे इस तरह का सवाल में डेटा गिवन होगा, जब इस तरह का सवाल में डेटा गिवन होगा। बिलफर्ड अगर मुझे देता है सवाल में, क्वेश्चन देता है कि सबमिशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 104, सबमिशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 105, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 90, सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 550 और 500 कर लो और n is equals to 6 और आप बोलता है अब regression equation बनाओ y is equals to a plus bx, बोलता है अब बनाओ। तो क्या अब मैं कैलकुलेटर की ट्रिक एप्लीकेबल है? क्या ऐसे सवालात के अंदर कैलकुलेटर की ट्रिक एप्लीकेबल है या नहीं है? नहीं है सर। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? बाय फॉर्मूला ही सॉल्व होगा। तो फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर की ट्रिक के पीछे फॉर्मूला भूल जाना भाई। क्या वाई एक्स ऑन वाई कैलकुलेटर पे देखें? क्या एक्स ऑन वाई कैलकुलेटर पे देखें? असाइनमेंट में दूंगा कंप्लीट होने के बाद। देखो बेटा बताता हूं स्नेहा, सब प्लीज इधर देख लो, सब प्लीज इधर देखो, बता रहा हूं मुनव्वर, बता रहा हूं बेटा, एक मिनट, बता रहा हूं मेरा बेटा। देखो तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, एक्स ऑन वाई जिसमें एक्स इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। अब प्लीज अगर अभी तो पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि मैं तीन क्लासेस पर आगे चल गया हूं और आपकी फर्स्ट क्लास है, आप एक काम करो यूट्यूब पर मेरी लास्ट दो क्लासेस अपलोडेड हुई हुई है एआरटीटी बिजनेस स्कूल के चैनल के ऊपर, आप वहां से जाके वो वॉच करो और फिर ये वाली क्लास लेना, ठीक है ना? इस तरह से बहुत मुश्किल हो जाएगी, सारा बच्चा पार्टी बहुत आगे। तो बेटा वाई एक्स ऑन वाई के अंदर ये एक्स क्या है,
कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स। वाई कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पर। ये सी क्या है? रिग्रेशन कांस्टेंट है। डी क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। ये है भाई, ठीक है। सवाल देखें इसका, इसका सवाल सॉल्व करें कैलकुलेटर के ऊपर। बच्चों मेरे साथ हो, अगेन सर क्वेश्चन नंबर वन मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर शो करता हूँ, जिसमें हमने वाई और एक्स तो कंप्यूट कर लिया है। अब बारी आती है एक्स ऑन वाई की। देखो अगेन भाई, सब मेरे साथ है, कोई इधर उधर तो नहीं देख रहा, कोई इधर उधर तो नहीं देख रहा, सब स्क्रीन के ऊपर देखो भाई प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सब स्क्रीन पे देखें। यस सर, देखो बेटा x ऑन y कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का तरीका क्या है? मोड की प्रेस करो सब, दोबारा से मोड की प्रेस करो, अगेन स्टेट्स मोड में आओ, मोड की प्रेस करो, अगेन स्टेट्स मोड में आओ, अगेन आओ a प्लस बी एक्स में, अगेन आओ a प्लस बी एक्स में। अब तुम्हारे पास x और y का कॉलम अपेयर होगा, अगेन वही प्रोसीजर है। सिर्फ अब क्या करना है, देखो ये इक्वेशन किसकी है, x on y या y on x की? ये a plus bx x on y की है, y on x की है? सही, ये y on x की है ऐसा। तो इसको x on y को ट्रांसफर करने के लिए मैं क्या करूंगा, वैल्यूज को शफल करूंगा। अब मैं x के कॉलम में x की वैल्यू लिखूंगा, y की वैल्यू लिखूंगा, और y के कॉलम में x की वैल्यू लिखूंगा, मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा, स्विच कर दूंगा। x और y सॉल्व करने के लिए मैं x के कॉलम में y की वैल्यू पुट करूंगा और y के कॉलम में x की वैल्यू पुट करूंगा। और अब जो a आएगा, जो इक्वेशन थी, मैं इक्वेशन में जो a है वो बेसिकली ए की वैल्यू नहीं होगी, वो सी की वैल्यू होगी। वेरिएबल तो सेम रहेगा लेकिन वैल्यू सी की होगी वो, और जो वैल्यू बी की थी वो बी की नहीं होगी, वो डी की होगी। बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है? डी की वैल्यू कितनी बनती है? हाँ भाई, 0.95 बनती है डी की वैल्यू। और ए की वैल्यू क्या बन, सी की वैल्यू क्या बनती है मेरे पास? हाँ बिल्कुल, एंड में स्विच कर दो, यहाँ डेटा पुट कर देना, स्विच कर देना, -6.4 ये वैल्यूज बनती होंगी दोस्तों आपके पास। निशा बेटा, आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को स्विच नहीं किया, आपने एक्स के रो में एक्स ही डाली, वाई के रो में वाई की डाली, जबकि ऐसा नहीं करना। एक्स ऑन वाई के लिए हम एक्स की वैल्यू में वाई की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स में वाई की वैल्यू पुट करेंगे और वाई में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, चेंज करेंगे, स्विच कर देंगे आपस में वैल्यूज को। निशा दोनों को स्विच कर दूंगा लेकिन वेरिएबल सेम ही रखूंगा। दोस्तों क्या वाई एक्स ऑन वाई कैलकुलेटर पे आ गया आप सबको? सेट है भाई, अमन है। मैं आगे मूव ऑन करूं। हारिस, आपने कोई कैलकुलेटर में एक वैल्यू आगे पीछे कर दी होगी कोई ना कोई, जब भी -6.5 आ रहा है आपका, कोई एक वैल्यू आपने आगे पीछे कर दी होगी मेरा बेटा। अहमद, आप अपने कैलकुलेटर की वो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना है अहमद क्लास के बाद, ठीक है मेरा बेटा। परेशान नहीं होना यार आप लोगों ने, मैं आपसे कह रहा हूं ना,
आप लोगों में से कोई भी चीज समझ नहीं आती है, आप मुझसे खुले दिल से व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। आप लोग सिर्फ इसी तरह से कांटेक्ट करोगे जिस तरह से मैं आपका बड़ा भाई हूं, बस। कोई झिझक महसूस नहीं करनी है, कुछ नहीं करना आपने यार, डायरेक्ट खुले दिल से कांटेक्ट करो, कोई मसले वाली बात नहीं मेरे बच्चों। सेट है भाई, मैं आगे मूव ऑन करूं? ये बाद में बताऊंगा स्नेहा, ये जो माइनस आई है -6.4, ये बाद में बताऊंगा कि इसकी लॉजिक क्या है थोड़ा सा आगे चलकर। भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं अगेन लिख देता हूँ, 03042507492। सही है खुद है ना दोस्तों? मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ क्या? कोरिलेशन की तरफ मूव ऑन करूं क्या? कोरिलेशन की तरफ मूव ऑन कर सकता हूं मैं या नहीं? यस सर, श्योर श्योर श्योर, आगे बढ़े भाई साहब, साथ होंगे तो ही बढ़ूंगा। मोहम्मद बेटा आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा फॉर्मूले से ना, फॉर्मूले से तो आप सब खुद सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूले से तो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा मैनुअली ना। अच्छा भाई अब प्लीज सब इधर देखिएगा, अयान तुम कैलकुलेटर के ऊपर सेंड करना, उसामा उस उस्मान उस्मान उस्मान, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। कोरिलेशन, ये कोरिलेशन का वर्ड आपको क्या बताता है, क्या समझ आ रहा है कोरिलेशन से? कोरिलेशन से क्या समझ आता है सर? रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन, बस रिलेशनशिप मत बोलना। नहीं सर, देखो कोरिलेशन का मतलब होता है रिलेशनशिप, बिटवीन टू वेरिएबल्स, कोरिलेशन का मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। अब अगेन ये दो वेरिएबल्स वही है, कौन कौन से? ये दो वेरिएबल्स कौन कौन से बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल और इनडिपेंडेंट वेरिएबल, ऐसा। अच्छा सर, रिलेशन कितने टाइप्स की होती है? रिप्रेजेंटेशन मैं बोलता हूँ तीन टाइप्स की होती है, तीन टाइप्स की। कौन कौन सी? पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन हो सकता और कौन सा हो सकता है? नो रिलेशन, कोई रिलेशन भी नहीं हो सकता, कोई रिलेशन ना होना भी एक रिलेशन है, नो रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन के अंदर फर्दर दो चीजें, पॉजिटिव रिलेशन में फर्दर दो चीजें कौन कौन सी, कोई बताएगा मुझे? ओनली पॉजिटिव रिलेशन, और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ओनली पॉजिटिव रिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, ये दो चीजें इसमें। और इसी तरीके से नेगेटिव रिलेशन के अंदर भी दो चीजें हैं, कौन सा? के परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव, ठीक होती है बात? सर हमें कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव क्या चीज है? अभी बता रहा हूं,
यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो मुझसे बात करो। हाँ भाई, यहाँ तक सबको क्लियर, डेफिनेशन क्लियर होती है। इसको कॉपी करो, बिल्कुल इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। इसको कॉपी करो जल्दी से, अभी बिल्कुल एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, इसको कॉपी करो। नहीं, नो रिलेशन की कोई मजीद टाइप नहीं होती। शायान, वेरी गुड भाई, इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। थोड़ा ऊपर करूं, थोड़ा ऊपर नहीं, थोड़ा नीचे बोलते हैं ऐसे या ऐसे। ग्राफ कहाँ बनाया मैंने अभी असगर? मैंने ग्राफ तो कोई बनाया नहीं अभी बेटा। कहाँ शो हो रहा है भाई? भाई मैं आगे मूव ऑन करूं मेरे बच्चों। ओके सर, आ जाओ भाई। तो बेटा अब हम एक बात मैं आपको बताता हूँ कि सर मेजरमेंट किस तरीके से हो सकती है, हम किस तरीके से एक कोरिलेशन को मेजर कर सकते हैं। तो कोरिलेशन को मेजर करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका कि हम स्कैटर डायग्राम बना लें। पहला तरीका कि हम स्कैटर डायग्राम बना लें। नंबर दूसरा तरीका, हाँ भाई बोलो, दूसरा तरीका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट कर लें। ये दो तरीके हैं रिलेशनशिप को कंप्यूट करने के। आज हम देखेंगे सिर्फ स्कैटर डायग्राम, आज हम देखेंगे सिर्फ स्कैटर डायग्राम। तो अपने वहां हेडिंग डालो कोरिलेशन विद, हेडिंग डालो मेरे बच्चों कोरिलेशन विद स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन विद स्कैटर डायग्राम। बिल्कुल कॉपी करने का टाइम दे रहा हूँ मेरा बेटा, ये लो कॉपी करो, कॉपी करो। और अब फिर सुकून से मेरी बातें सुनेंगे सारे, कॉपी करें और फिर सुकून से मेरी बातें सुनेंगे, सब कुछ कॉपी पेंसिल वगैरह सब कुछ छोड़कर। डन होती है बात? डन, कॉपी कर लिया यार, सब साथ है मेरे। जी बच्चा पार्टी, कॉपी कर लिया सबने? हाँ अच्छा, ठीक है। कोरिलेशन विद स्कैटर डायग्राम के अंदर जो हम पहला टाइप देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। आप सब स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, कोई मसला नहीं निशा, अभी आप पहली दफा ग्राफ पढ़ लें मुझसे, फिर देखते हैं। बिल्कुल निशा, बिल्कुल कोई मसला नहीं ना बेटा, मुझसे पढ़ो तो सही। एक मिनट, अभी देखो भाई पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है ये देखने जा रहे हैं। ठीक है निशा, आप मेरे साथ कंट्रीब्यूट करिएगा प्लीज। देखो मेरा बेटा, हाँ मैं इस तरीके से एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं, इस तरीके से मैं एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? कॉपी कोई नहीं करेगा, सुकून से सिर्फ वीडियो देखो।
सुकून से सिर्फ वीडियो देखो, कॉपी कोई नहीं करेगा। ये मेरे पास एक वाई एक्सेस था, ये क्या है मेरे पास एक्स एक्सेस, ये मेरे पास क्या है ओरिजिन जीरो। अच्छा देखो, जब सवाल मुझे गिवन होता है तो यू गिवन होता है कि एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होती है ना, ऐसे गिवन होता है ना बेटा, एक्स और वाई की वैल्यूज गिवन होती है मुझे इस तरह से कॉलम बनाकर, है ना। यस सर। अब एक काम ये करते हैं कि मैं नंबर लिखता हूं कि एक्स वाई की वैल्यू, एक मैंने यहां पुट करी, एक मैंने यहाँ 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 पुट करी। ओके सर, कितनी वैल्यूज है, एक दो तीन चार पांच छह सात, और सात वैल्यूज ही एक्स एक्सिस पे मैं पुट कर देता हूँ। डन। इस तरह से मैंने वैल्यूज अपनी प्लेस कर दी। निशा बेटा समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से जब मैं अपनी वैल्यूज पुट कर दूंगा तो हर पॉइंट का मैं एक पॉइंट बनाऊंगा, मतलब सर इसका, इस वाले पहले पॉइंट का और इस पहले एक्स एक्सिस के पॉइंट का और पहले वाई एक्सिस के पॉइंट का, मैं बोलता हूं मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया ये रहा, दूसरे एक्स एक्सिस के पॉइंट का और दूसरे वाई एक्सिस के पॉइंट का मैं बोलता हूं एक पॉइंट ये रहा, एक दो तीन चार पांच छ सात। तो भाई इस तरीके से मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, नहीं, वैल्यूज के हिसाब से पुट करूंगा निशा, वैल्यूज के हिसाब से पुट करूंगा, तो मैं इस तरह से वैल्यूज पुट कर दूंगा अपनी, ठीक है। हर का कंपैरिजन पॉइंट में बना दूंगा और इस तरीके से मैं अपनी वैल्यूज पुट कर दूंगा। ओके सर भाई, यहां तक किसी को कोई मसला है? ठीक है, यहां तक मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी है, मैंने एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करनी है। ये इमेजनरी लाइन है, ये क्या लाइन है, इमेजनरी लाइन है। इस इमेजनरी लाइन को हम लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोलते हैं। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलूं या मैं बोलूं रिग्रेशन लाइन, एक ही बात है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलूं या बोलूं रिग्रेशन लाइन, एक ही बात है, ठीक है। इस लाइन को बोलता हूं लाइन ऑफ बेस्ट फिट, और ये मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है। और निशा मेरा बेटा, ये क्योंकि ये स्कैटर डायग्राम है, इसीलिए मैं हर वैल्यू को इस लाइन से कनेक्ट नहीं करूंगा। हाँ मोहम्मद, मैंने अभी अंदाजे से पॉइंट लगाए, चूंकि ये स्कैटर डायग्राम है तो मैं इस लाइन को हर पॉइंट से कनेक्ट नहीं करूंगा। मैंने एक स्टेशनरी लाइन बना दी, इमेजिनरी लाइन बना दी, इसको मैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट बोलता हूँ, रिग्रेशन लाइन ही बोलता हूँ। अब सर डिसीजन लेना है। अच्छा मुझे बताओ, इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है, इस लाइन का जो स्लोप है वो कैसा है? हाँ भाई, अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग है, बोल सकता हूँ सर पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड स्लोपिंग है बेटा, बोल सकता हूँ कि इस लाइन का जो स्लोप है वो अपवर्ड स्लोपिंग है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, ऐसा बोल सकता हूँ? यस सर बोल सकता हूँ। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या, कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई की वैल्यू भी बढ़ेगी, ऐसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई और वाइस वर्सा, मतलब एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये बात होती है ना, यही बात समझ में आती है मेरे बच्चों? है बेटा, अभी बता रहा हूँ खुजैमा, ओके अभी बता रहा हूं। देखो बेटा, अब मैंने डिसीजन लेना है कि सर ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो याद रखो मेरे बच्चों, अगर तुम्हारे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के, इस लाइन ऑफ बेस्ट फिट के दूर दूर हैं और अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है, तो दैट मीन ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। देखो अभी तुम्हारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के करीब है, दूर है। हाँ भाई, अभी तुम्हारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के करीब हैं या दूर हैं?
बोलो सब बोलो। अरे ज्यादा करीब नहीं है भाई, करीब का मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे करीब होते हैं, करीब नहीं है, करीब का मतलब ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे दूर दूर है। हाँ भाई, अभी तुम्हारे पॉइंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हैं? दूर दूर है। तो जब पॉइंट तुम्हारे लाइन ऑफ बेस्ट फिट के दूर दूर हो और तुम्हारा स्लोप जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो, दैट मींस कि तुम्हारा रिलेशन क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है तुम्हारा। क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है। क्या बात समझ में आती है मेरे बच्चों? ये क्या, ये बात समझ में आती है? अब बिल्कुल शाहनवाज। हारिस, अभी कैलकुलेटर तो बाद में आएगा ना बेटा। मैं इसको दूसरी डायग्राम बनाता हूं, मैं इसको दूसरी डायग्राम बनाता हूं, आपके अंदाजा हो जाएगा। अभी अली, अभी अली, इसके पहले अभी पॉजिटिव पे रहूंगा। इसको कॉपी करो जरा, इसको कॉपी करो, मैं परफेक्ट पॉजिटिव की बनाऊंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी। इसको जरा एज इट इज कॉपी करो, जो जैसा लिखा हुआ है उसको वैसे कॉपी करो। मैं अभी परफेक्ट पॉजिटिव की बनाऊंगा, तुम्हारे बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी बेटा। नहीं आरएस, इसको मेजर करना नहीं होगा, ठीक है? इसको इसी तरीके से बनाना होगा, अभी समझा रहा हूं। इसको कॉपी करो, अभी पेंसिल से कॉपी, जिससे करना है कॉपी कर लो यार, अपनी वर्किंग में तो कोई मसला ही नहीं है ना। वैसे मैं प्रेफर करता हूँ कि पेंसिल से कॉपी करो। बिल्कुल फरीन, पॉइंट स्कैटर ही होंगे, स्कैटर डायग्राम में पॉइंट स्कैटर ही होंगे। एक दफा एसएस लेना है, किस चीज का एसएस लेना है भाई? ये अब्दुल राफे, हाँ विद सेम प्रोपोर्शन नहीं होगा इल्मा। लो, इससे ऊपर मैंने क्या बताया? ये लो, मेरे बच्चों डन। मैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का डायग्राम बनाऊंगा, आपकी बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी, एक एक चीज समझ आ जाएगी। कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो। लेकिन शाहनवाज, लाइन तो स्ट्रेट लाइन ही होगी ना? बिल्कुल, पॉइंट से अंदाजा लगाना है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट ही बोलते हैं बेटा इसको। दिखा देता हूँ, क्लास के एंड पे दिखा दूंगा, अब्दुल राफे, मसला नहीं है। अच्छा भाई प्लीज, अब आओ मैं आपको दिखाऊं कि अगर हम डायग्राम बनाते हैं, अगर हम डायग्राम बनाते हैं परफेक्ट। अभी मैं किसी के सवाल नहीं ले रहा हूँ, प्लीज सब मेरे ध्यान से बात सुनो। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन। अनी कॉपी क्यों नहीं किया बेटा? करो कॉपी, करो जल्दी से, करो बेटा जल्दी से कॉपी करो। अनी
क्योंकि सीनियर इसको आइडियली सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए चलना चाहिए, ये वो जगह है जहां पर सारे पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे, हो सकते होने चाहिए, इसीलिए इसको बेस्ट फिट बोलते हैं। डन, चलो भाई आओ इधर देखो, अब प्लीज इधर देखो, प्लीज सारे काम छोड़ के इधर देखो, सारे काम छोड़ के इधर देखो। अगेन मेरे बच्चों, मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं। अगेन मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया और एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये दोबारा ओरिजिन, ये मैंने दोबारा वाई की एक्स की वैल्यू डाली यहां पर, ये मैंने दोबारा यहां पर y की वैल्यूज डाल दी, ठीक है ना, ये नहीं वैल्यूज, इसका पॉइंट ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, इसका पॉइंट ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, तो इस तरीके से कुछ पॉइंट्स आ रहे होंगे आपके पास जब आप इसको ड्रॉ करोगे। अच्छा ठीक है, अब सर अगर मैं इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, मेरे बच्चों एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूं, लाइन ऑफ बेस्ट फ्रेंड, तो तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं, तुम्हारे जो पॉइंट्स हैं वो अपवर्ड स्लोपिंग पर ही हैं और लाइन ऑफ बेस्ट फ्रेंड के क्या हैं। निशा मैंने इमेजिनरी बनाया ना, मैंने इमेजिनरी बताया ये, तो मैंने जो पॉइंट डिसाइड किए तो मैंने ऐसे ही डिसाइड करे ना अपने अपनी तरफ से अभी, ठीक है। आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास पॉइंट्स हैं वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हैं, क्लोज टू हैं, ज्यादा क्लोज टू हैं, करीब करीब हैं। तो जब ज्यादा करीब करीब होंगे और आपका जो स्लोप है वो भी कौन सा स्लोप है, वो भी अपवर्ड है, आपका स्लोप है वो भी अपवर्ड है, तो जब स्लोप भी अपवर्ड हो और पॉइंट लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्या हो, क्लोज टू हो, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा रिलेशन है ये, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। दैट मींस अगर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी बाय, हाँ भाई, बाय सेम प्रोपोर्शन, बाय सेम प्रोपोर्शन, अगर एक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी और वाई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी सेम डिफरेंस से, दोनों का डिफरेंस सेम होगा बाय सेम प्रोपोर्शन। मेरे बच्चों क्या ये बात समझ में आती है, अब आपकी बात समझ में आती है कि कैसे हमने डिसाइड किया कि ये परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप है। मैं आपको जूम आउट करके दोनों पिक्चर शो करता हूं, आपकी समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या पॉजिटिव रिलेशन और परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, इसको कोरिलेशन ही कर लो, क्या परफेक्ट पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों में डिफरेंस आपको वाजे तौर पे क्लियर नजर आता होगा। सिंपल सी काम है, दो चीजें देखनी है मैंने, दो चीजें देखनी है कि अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट के क्लोज टू है तो परफेक्ट पॉजिटिव और अपवर्ड स्लोपिंग है तो। अब बिल्कुल मोहम्मद, अगर लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ज्यादा क्लोज है पॉइंट तो परफेक्ट पॉजिटिव, अगर दूर दूर है तो और स्लोप भी अपवर्ड है तो इसी वजह से सिर्फ पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव रिलेशनशिप में सेम प्रोपोर्शन से इंक्रीज नहीं होगा। मैं फिजिकल क्लासेस में दोबारा पढ़ा दूंगा मेरे बच्चों, मसले वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल अली, मैं फिजिकल क्लासेस में दोबारा बता दूंगा, कैलकुलेटर ट्रिक फिजिकल क्लासेस में दोबारा बता दूंगा। जी दोस्तों,
क्या आप लोगों को स्कैटर डायग्राम के अंदर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन और पॉजिटिव कोरिलेशन की कहानी क्लियर होती है? वो कहाँ गई निशा बेटा? निशा बेटा क्या क्या अपडेट है निशा? एनी मसला? एनी मसला? एनी परेशानी? हैंडआउट मैं बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा बेटा, जैसे ही जैसे तुम्हारे पास तुम्हारा ग्रुप बनता है मैं फौरन प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा मुझे व्हाट्सएप पे बात करना फिर, सही है? नहीं ग्राफ की वैल्यू कैलकुलेटर से नहीं निकल सकती मिर्जा। डेमो क्लासेस बस इसी वीक तक अलाउ होंगी बेटा, और फिर ये सारी क्लासेस रिवोक हो जाएंगी। ओनली जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा पेड स्टूडेंट को। नहीं आयान, सिर्फ पॉजिटिव में सेम प्रोपोर्शन नहीं होगा, परफेक्ट पॉजिटिव में सेम प्रोपोर्शन होगा। आप बिल्कुल दे दूंगा गैप, बिल्कुल मिल जाएगा गैप। वेनेसडे को पेपर है ना अब्दुल हुसैन? बेटा कोशिश करूंगा जोन पर स्विच करने की, असल में आईडीज बिजी होती है, बाकी क्लासेस भी होते हैं, तो कोशिश करूंगा जूम पर स्विच करने की, बात करके आगे, ठीक है ना? पर वेनेसडे को पेपर है तो फिर वेनेसडे को आपको फिर ऑफ दिया जाएगा, मसला कोई नहीं है। वेनेसडे को पेपर है, मसला कोई नहीं है। इल्मा कल क्लास की टाइमिंग का कुछ कंफर्म नहीं है बेटा। अच्छा ए लेवल वालों का रिजल्ट कब आ रहा है? इंटर वालों का पेपर है वेनेसडे को। अच्छा जिन ए लेवल्स वालों बच्चों का रिजल्ट कल आ रहा है मेरे बच्चों, उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे तुम लोगों को, ठीक है? अपने पेरेंट्स की दुआएं लेना, सही है? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बात मैं तुम्हें बताऊं, हम जिस एज में है ना, हम इस एज में हमें लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स कोई हमें एक बात समझाते हैं और वो हमें बुरी लगती है, मिसाल के तौर पे कि नहीं अब तो हम बड़े हो गए हैं हमें खुद हैंडल करने दें ये चीज ना, और हमें उनकी बताई हुई बात बुरी लगती है, तो देखो बेटा ये गलत बात है। क्यों? मुझे भी लगती है, ठीक है ना? क्योंकि मैं सोच रहा होता हूँ अपने लिहाज से कि भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपने लिहाज से काम करूंगा, ठीक है? लेकिन देखो हमारे माँ बाप है, कभी भी जिंदगी में कोई भी तुम्हें गलत मशवरा देगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी जिंदगी में तुम्हें गलत मशवरा नहीं देंगे, कभी गलत एडवाइस नहीं देंगे। आजकल के लोग दोस्तों की बातों में आके जो है वो गलत काम करते हैं, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते। अपने माँ बाप की बात सुनो, अगर कोई तुम्हारा सच्चा दोस्त है वो तुम्हारे पेरेंट्स है और कोई भी नहीं है, ठीक है ना? तो और वो जो बात करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं और अपने तजुर्बे से कहते हैं, जो उन्होंने जिंदगी में तजुर्बा हासिल किया है उससे ही कहते हैं हमें। तो बजाय इसके कि हम बहस मुबाहसा करें, ठीक है, किसी भी बात अगर कोई बुरी लगती है आपको अपने पेरेंट्स की, तो उसको जरा लॉजिकली, और ये मेरी बात को जरा अपने दिमाग में लाके दोबारा सोचना, वहां पर चल जाएगा कि हाँ जो वो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भाई कल क्लास होगी ना? नहीं कल क्लास किस खुशी में नहीं होगी भाई? बिल्कुल फवाद, हाँ मुनव्वर, बस इस हफ्ते तक मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं यानी कल क्लासेस होंगी बेटा, वेनेसडे को ऑफ मिलेगा क्योंकि वेनेसडे को पेपर है। बिल्कुल फवाद, बिल्कुल बेटा, फिजिकल क्लासेस जैसे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आता है फिजिकल क्लासेस हम रिव्यू कर देंगे, रिज्यूम कर देंगे। कोई मसला नहीं शाहनवाज, थोड़ा एडजस्ट कर लेना इंशाल्लाह। कोई लिंक नहीं है इसका बिजनेस है असगर, ठीक है? अगर अभी तो खैर रिज्यूम तो नहीं हुई ना फिजिकल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अभी तो रिज्यूम नहीं हुई, जब होंगे तो आपको फेसबुक से पोस्ट का मिल जाएगा और मैं भी कम्युनिकेट कर दूंगा। अब कोरिलेशन वाली वीडियो देख लेना खुजैमा। असगर बस टॉपिक के अंदर है तो हमने कवर करना है, टॉपिक के अंदर है तो हमने कवर करना है असगर।
फवाद बस अब यहीं तक रखूंगा मैं, क्योंकि मैं बस टाइम खत्म हो गया है, 3 बजे क्लास ऑफ है आपकी, तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में सीखेंगे, कल बात करेंगे खुदा मैं इस बारे में। बिल्कुल होगा मुनव्वर, बिल्कुल होगा, AFC 2 और AFC 4 की क्लासेस इंशाल्लाह ताला मैं जल्द ऑर्गेनाइज करवाता हूँ आपकी, ठीक होती है बात, थोड़ा मैनेज कर लेना ना अनी, थोड़ा मैनेज कर लेना। बिल्कुल यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो बेटा, यूट्यूब पे आ जाएगी। नहीं मिर्जा आज नहीं दे रहा, कोई होमवर्क नहीं है आपका, बस जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही रिवाइज करो, और जो मैंने YouTube के ऊपर कोरिलेशन की वीडियो डाली हुई है वो जरा समझना, वो वीडियो देखना लाजमी। सेट है अनिक, सेट है, सेट है। बिल्कुल फवाद, मैं IT और BC क्लासेस जल्द ऑर्गेनाइज करवाता हूँ आप लोग की, ठीक है ना। FB पे मैं मेरे बहुत चर्चे होते हैं, कहाँ भाई हैं, कहाँ खुजैमा। जजाक अल्लाह मिर्जा मेरा बेटा, जजाक अल्लाह। स्नेहा ये जब मैं असाइनमेंट दूंगा जब पता चलेगा आपको, जजाक अल्लाह खुजैमा। बस अब इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों ऑफ करते हैं, और दुआओं में अपनी याद रखना। अब्दुल हुसैन बेटा पता नहीं, मैं किसी और इंस्टीट्यूट के बारे में जो है नहीं, मैं अपने अपनी बारे में बात करता हूँ बस, ठीक है ना। तो बस इंशाअल्लाह ताला मेरे बच्चों आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे अपने खर्चे के ऊपर, अल्लाह हाफिज़।